देखिए गया लोकसभा में है और हमारे साथ एक ब्राह्मण मौजूद है, क्या याद है जीतन राम मांझी बड़ी लंद फंद बोले थे आपको? आइए सर। जीतन मांझी लंद फंद तो बोलवे किए थे ब्राह्मणों के प्रति, हम लोग बोले थे दलित के यहाँ जाता है तो खाता नहीं खाली पैसा लेता है, हरामी है, हरामी से उच्चारण किए थे वो। तो हम लोग ब्राह्मण याद है जी, याद नहीं रहेगा कैसे भैया, राजद में रहते थे उस समय याद नहीं था हमको। तो ब्राह्मणों हरामी हो गए हम लोग, तो हम लोग इसलिए माफ कर दिया कि मोदी जी को हम लोग को देखना है, मोदी जी को देखे। जीतन मांझी जी शुरू से हैं, इनका पैदाइश है राजनीतिक में फतेहपुर में ऐसे विधायक बने, ऐसे मंत्री बने, इसलिए हम लोग तो बहुत नाराज थे, गुस्सा उन पर था। बाकी मोदी जी के चलते मोदी जी को वोट दे रहे हैं, उनको वोट हम लोग नहीं दे रहे हैं। हाँ ऊपर देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं, इनको क्या देखेंगे, इनको तो देखते देखते बाल पक गया। फतेहपुर में क्या किया था, विधायक बने, मुख्यमंत्री बने, संडेश्वर में जाके 500 बार गोड़ लगी ने, क्या किया फतेहपुर में संडेश्वर के लिए? लेकिन तैयो वोट को दे रहे हैं, वोटवा तो इन्हीं को देना पड़ेगा ना, देंगे, मोदी जी को देख रहे हैं। हाँ मोदी, अच्छा लालू यादव कहते हैं कि कुछ करवे नहीं किया मोदी, मोदी तो इतना कर दिया, शिखर पर पहुंचा दिया पूरे भारत को, कि हिंदू गर्व से कहेगा कि मोदी है भगवान है। हाँ भगवान है मोदी हिंदुस्तान के लिए। हाँ क्या बात है, पब्लिक को क्या फायदा हुआ मोदी से? मोदी से बहुत फायदा हुआ, मोदी से रोड लाइन रेलवे बिजली पानी गैस अनाज दे रहा है फ्री, महंगाई बढ़ गया से, महंगाई बढ़ गया, अब 20-20 लाख के गाड़ी पर चढ़ रहा है, महंगाई नहीं है, मंत्री चढ़ रहा है करोड़ों करोड़ के गाड़ी पर, महंगाई नहीं है, कौन कहता है कि महंगाई है? नहीं है, नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ गरीबों के लिए भले महंगाई है, बाकी गरीबों का साधन मोदी जी बनाए है ना। हाँ अच्छा एक बात बताइए, मांझी जी कहे थे कि दलित के यहाँ खाता नहीं है, तो आप लोग काहे नहीं खाते हैं? काहे खाएंगे, काहे नहीं खाएंगे, काहे खाएंगे, वहाँ खाने के लिए उसका अलग ब्राह्मण है, हम लोग सर्वोत्री है। हाँ और क्या, उनके क्या हम लोग जाएंगे थारी पर से? ना आप लोग क्या थारी चलेगा, उनके क्या थारी नहीं चलेगा। हाँ हाँ हाँ, दूसरों ब्राह्मण जाते हैं तो नहीं खाते हैं उसके? नहीं खाता, जो जाता है से समझे जखनियो ब्राह्मण को हरामी बना दिया, सर्वोगति में डुबा दिया। अच्छा तो मांझी जो अगर बिहान हो के भोज भी करवाए थे, माफी भी मांगे थे? तो माफी साझा मंच पर जाके वो माफी मांगे गया हमें कि ब्राह्मणों के प्रति हम माफी मांगते हैं, ऐसा बात बोले हैं, हम वाणी को वापस लेते हैं। वहाँ कौन देखा, हम लोग तो देखवे नहीं किया, सुनवे नहीं किया, गया के मंच पर से माफी मांगे साझा करके, ये हम ब्राह्मणों के प्रति जो अशब्द बात बोला है उसको माफी हम मांगेंगे। अच्छा कुछ अगर माफी नहीं मांगेंगे तो वोट तो देवे करेंगे? तो मोदी जी को देंगे, जीतन राम को हम लोग वोट दे रहे हैं, मोदी को। हाँ मोदी को, हाँ जीतन मांझी को वोट हम लोग नहीं दे रहे हैं, मजबूरी में। हाँ मजबूरी में जा रहे श्रीमान, और कोई बात नहीं है। एक ब्राह्मण होने के नाते क्या कहना चाहेंगे जीतन राम मांझी को? कुछ नहीं, क्या कहेंगे, जो अपना किया सो अपना समझे, हम लोग तो मोदी जी को देख रहे हैं। हाँ उनको नहीं देख रहे हैं, मोदी जी को देख रहे हैं। बीजेपी इतने गलत किया, बीजेपी को देता नहीं तो और अच्छा लीड करता। हाँ लेकिन तैयो दीजिएगा, देंगे मोदी जी को देंगे, इसको नहीं देंगे, मोदी जी के नाम पर हम लोग दे रहे हैं। हाँ ऐसे निर्दलीय लड़के बता दे जीतन राम जी तो जीत जाए, नहीं जीतेगा। हाँ अच्छा अभी आरजेडी से लड़े, महागठबंधन से तो हार गए थे, हार ही जाता, अभी भी हार जाता है अगर मोदी जी नहीं रहता तो। हाँ मोदी जी के चलते दे रहे हैं, इसका लीड जीत पक्का है। लालू का बेटा बिहार में कैसा काम कर रहा है? क्या करेगा, 15 बरस में नहीं किया, 20 बरस में नहीं किया, तो अब क्या करेगा? कहता था कि लाल तेजस्वी कहता है कि 15 वर्ष में मंगल राज था, कहाँ बना दिया सर्वजीत तो बना, कहाँ बना दिया, 4 चौन लगा दिया फतेहपुर में, संडेश्वर के पैसा दिए, टनकुप्पा में कृषि विश्वविद्यालय कहाँ बना, कहाँ बना रहा है संडेश्वर में? वो सब झूठी बात है बाबू, खाली प्लॉफ है गाल में, मोदी जी कहते हैं सो करते हैं। हाँ पंडित जी को वोट मोदी जी को जाएगा? जाएगा। जीतन राम मांझी को जाएगा? जाएगा मोदी जी को, मोदी जी को। हाँ चलिए, तो ये ब्राह्मण से गया के ये कह रहे हैं कि वोट जीतन राम मांझी को देंगे, देश में 400 पार सीट लाना है। धन्यवाद।